देश भर की तरह शहीदों के सम्मान में आज रादौर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला से शुरू होकर रादौर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी। तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा शहर की कई शिक्षण संस्थाओं के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। तिरंगा यात्रा के समापन पर मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में यह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगे की आन बान और शान के लिए असंख्य शहीदों ने अपने प्राण न्योछावर किए, इसलिए हमें तिरंगे के सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उन्होंने जब पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए सब नागरिकों को, तो उससे पहले सारे देश के अंदर ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के रादौर में एक ये तिरंगा यात्रा, आपने देखा होगा कि कितना हजूम तिरंगे के प्रति, कितना प्रेम लोगों के अंदर है। आज एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वो यात्रा निकाली और उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को, रादौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितने संयम से सभी ने कार्यक्रम देना संपूर्ण किया, उसके लिए सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। इस तिरंगे की आन और बान शान के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी, कितने ने अपने प्राण दिए, उनके सम्मान में आज उनको नमन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उन शहीदों को समर्पित ये तिरंगा यात्रा आज यहाँ निकाली गई है। और पूरा उमंग, कितना चाव हर कार्यकर्ता के अंदर आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया कार्यक्रम जो है ना, याद रदौर के अंदर